उद्घाटन साढ़े सुनीता जी महात्मा जी ने किया है। श्री रामनाथ क्लब टक्की महला वालों महाराज जी का बहुत बहुत जिया और धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समा कट के बोल दिया। पति राम चंद्र महाराज की बोले सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की परम पूजनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय बाबा लाल जी तपोभूमि समाधि आचार्य सुनीता जी जिन्होंने अपना कीमती समा कट के प्रभु राम जी के चरणों च लवेतिया भवेतिया भगवान श्री सीताराम जी महाराज की कृपा से आज सौभाग्य का दिन कि सभी के बीच में आने का बहुत बड़ा अवसर हमें प्राप्त हुआ और मेरा सबके ऊपर बहुत बहुत मैं सबको भगवान बाबा लाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही कार्य करते रहें, ऐसे ही हर वर्ष रामलीला होती रहे। क्योंकि धर्म कार्य में बाधाएं तो आती हैं, पर जो धर्म कार्य में लगते हैं उनके बच्चे भी आगे धर्म कार्य करते हैं। अच्छी संस्कृति देखिए, आज के डेट में दुनिया में हर चीज़ गलत लाइन पकड़ाने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं, पर अच्छी लाइन पकड़ाने के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं। पर आजकल किसी के बच्चे को कहा जाए ना कि मंदिर भेज दो तो लोग कहेंगे नहीं, पर चार लोगों के साथ घूमने के लिए भेज सकते हैं। पर देखिए, भगवान के कार्य में जरूर जाना चाहिए, ये भगवान का कार्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी का कार्य है। इस कार्य में सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये सभी व्यक्तियों का कार्य है। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय, सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय, महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज की जय, स्वामी श्री पंकज दास जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। सामने से सरवर कुमार जी आ रहे हैं। श्रवण कुमार जी बड़ा अजीब है, देखो अजीब की बातें करता है और नए नए उपदेश बताता है और हमारी तरह चोर बजाने में जरा भी ध्यान नहीं करता। जी वो तो पागल है, जो खेल उसे भागता है। हर वक्त पढ़ना लिखना नहीं तो बेवकूफी नहीं तो और क्या है। मत कर तुम अभिमान बंदे, मत कर तुम अभिमान नमस्कार प्यारे भाइयों, नमस्कार। अमूल्य समय से जीवन का सब खेल कूदने जाता है, ध्यान नहीं उस ठीक समय का तो ठीक समय पर आता है। लो ये भी श्री गणेश हुआ यार, वो जरा सुनो तो सही सरवण कुमार की बातें कैसी प्यारी प्यारी है। सरवण कुमार जी उस दिन आपने कहा था सुंदर स्वाद बनाओ, जरा ये तो बताओ सुंदर स्वाद कैसे बनता है।
भाइयों, जिसके स्वभाव में क्षमा, दया और संतोष है, वह स्वभाव सुंदर स्वभाव कहलाता है। आसमान तारों से, बाग दरख्तों से, तालाब जल से, पृथ्वी राजा से शोभा पाती है, उसी तरह सुंदर पुरुष सुंदर स्वभाव से शोभा पाते हैं। एक हो यारो, शर्मन कुमार की बातें कितनी प्यारी प्यारी हैं। आओ सब हम ये प्रतिज्ञा करें, हम सब सुंदर स्वभाव बनाएंगे। हम सब सुंदर स्वभाव बनाएंगे। गुरुदेव के चरणों में शर्मन का प्रणाम हो। गुरु जी, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में माता पिता का अंधापन दूर हो। बेटा, ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। गुरु जी, ये शर्मन हर किस्म की मुसीबत बर्दाश्त करने को तैयार है। अपने आप को निशावर करने को तैयार है। शर्मन के लिए दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं। देखो बच्चों, देखो शर्मन कुमार की बीवी को देखो और सीखो। अगर माता पिता की सेवा करना चाहती हो तो शर्मन कुमार से सीखो। भगवान, जब तक आसमान में चांद और सितारे कायम है, शर्मन कुमार दुनिया तुम भी दुनिया में कायम रहो। गुरु जी, बेटा क्या तुम उनके लिए मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? गुरु जी, माता पिता के वास्ते चाहे हर मोहल्ले की चोटी पर जाना पड़े, चाहे सारी दुनिया का चक्कर लगाना पड़े, मेरे शरीर आत्मा की जरूरत पड़े, तो मैं अपने अंधे माता पिता के लिए सब कुछ निशावर करने को तैयार हूं। गुरु, दिल को संतोष हुआ। शर्मन कुमार, तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो सकता है। हो सकता है? हाँ गुरु जी, सच बताइए, मेरे माता पिता का अंधापन कैसे दूर हो सकता है? सूखे हुए पौधे पर पानी बरसाइए, गुरुदेव मेरे माता पिता का अंधापन कैसे दूर हो सकता है? जरा जल्द बताइए। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर होने का उपाय मैं बतलाता हूँ। अगर उनको प्रयागराज, काशी, बद्रीनाथ आदि तीर्थों की यात्रा करवाओगे, अवश्य ही उनकी आंखों में नहीं पाओगे। आहा, सूखा हुआ पौधा सर समझ हो गया, ना उम्मीद को उम्मीद मिली, खिल गई आज मेरे दिल की कली। खुशखबरी ये गुरु जी की, प्रीत बात को सुनाऊंगा और से प्रतिज्ञा करता हूं कि सब तीर्थ करवाऊंगा। आपके आशीर्वाद से सब तीर्थों की यात्रा हो चुकी है, अब सिर्फ सरयू नदी का स्नान बाकी है। आहा पिताजी, अजब आनंद का समय है, भगवान अपना कर्तव्य दिखा रहा है। बेटा, प्यास लगी है, कुछ जल पीने की इच्छा है। पिताजी, मैं अभी जल लेकर आता हूं,
बेटा जल्दी आना, अगर देर लगाओगे तो हमें जिंदा नहीं पाओगे। पिताजी आप जरा भी विचार ना करें, मैं गया और अभी जल लेकर वापस आया। हाँ, जब तक मैं जल लेकर वापस ना आऊं, आप यहीं पर विराजमान रहना। माता पिता का, अगर किसी मनुष्य ने मुक्ति द्वारा जाना है तो माता पिता की सेवा से जा सकता है, अगर किसी ने महानंद पाना है तो माता पिता के चरणों में पा सकता है। जिस मनुष्य ने माता पिता की सेवा नहीं की वह संसार में मनुष्य नहीं बल्कि पशु कहलाते हैं और आगे जाकर नरक की आग में जलते हैं। ओहो, मुझे याद आया, मैं तो जहां पिताजी के लिए जल लेने आया था, मुझे जल्दी से जल लेकर जाना चाहिए। मेरे माता और मेरे पिता मेरा रास्ता देख रहे होंगे। क्या कुछ नहीं, माता पिता के विचारों ने व्याकुल होकर दिल पर खंजर चलाया और माता के दूध में बदलाया। हो रहे हैं, क्षमा क्षमा माता जी क्षमा। लो लो माया, ये क्या चला नहीं जा रहा, किसने मारा। उठ नहीं सकता, तुम उठो।
मुझ अत्याचारी अखों वाले पर लड़क देते उठ उठ उठा उठा जे कमान उठा चला जे भाग चला मेरे सीने पर चला शरवण अच्छे शरवण तू उठ और मुझे इसी जगह अपनी मृत्यु शैया बनाने दे। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए जय लोटा ले जाइए और मेरे अच्छे माता पिता को जल पिला दीजिए मगर ख्याल रहे एक भी शब्द जुबान पर ना लाना वरना वह पहचान जाएंगे और जल पीने से इनकार कर देंगे। हाँ जब पानी पी चुके हो सरवन और खपत किस्मत सरवन मृत्यु शैया पर तब तोड़ पर समय कहता था कि मुझे क्षमा करना पाता क्योंकि मैं ज्यादा समय तुम्हारी सेवा ना कर सका और भोला नहीं जा रहा गला भी सूख गया है फलक में भी काटे पड़ रहे हैं। ऐ माता ऐ पिता शरवण तुम पानी पी लो भगवान भगवान मुझे फिर इसी माता पिता के घर जन्म देना ताकि मैं इनकी अधिक देर तक सेवा कर सकूं। जल पी लीजिए पिताजी जल पी लीजिए माता जी कोई नहीं तो बता दो कौन है जो जल के बदले हमें खून रहा है दशरथ हो महाराज सीकर बताओ कि मेरा प्यारा मुल्तान शरवण कहाँ है। आपका पुत्र गलती से है गलती से मेरे भाव से मेरे मान से मारा गया तो कभी जाले हमने तेरा क्या बिगाड़ा था इसका बदला आज तूने लिया मेरे नौलहार पर बिजली गिराई मेरे बच्चे की उड़ती है जवानी आग में बनाई महात्मन मुझे शरण समझ कर आप मेरे साथ अयोध्या चलिए मैं आपकी शरण से ज्यादा सेवा करूंगा। कमोल शरवण के नाम पर बट्टा लगाने वाले अंधे शिकारी कमोल वह बोलता और तो खार है हम मैं शरवण को कभी नहीं पा सकता मेरी आंखों के तारे मेरी जिंदगी के सहारे है आप हो पत्ती हो जाओ कमल के पत्ते फट जाओ
ऐसा भयानक समय ना देख सकूं और ना उम्मीद कर सकूं। यहां होगा तारा शरवण जही है बेटा, क्या तुझे राजा ने मारा, उसे मारता हूं। किसी जालम इंसान का नहीं बल्कि मेरे पुत्र शरवण का है, मेरे जिगर के टुकड़े का खून है, वह तड़प रहा है, फरियाद कर रहा है। जमीन चुप है, आसमान चुप है, कोई मदद नहीं कर रहा, कोई मेरे बच्चे को जालम के पंजे से छुड़ाओ। बेटा तू कहां चला गया, रात हो गई अभी नहीं आया, तू मेरी दुनिया का एक ही चांद है, चांद है बेटा। सबर माता सबर, जिसके घर को आग लग जाए उसे जैसा सबर, जिसका जवान उजड़ जाए उसे जैसे सबर। आई दूसरा फूल जे भी गया और जे भी गई, अब मैं अकेला रह के क्या करूंगा। भगवान जैसी सप्राण का फल है तूने मेरी आंखों की रोशनी तो पहले ही दे दी, अब मेरे दिल की रोशनी भी ले ली। पहले भगत पहला था कभी नहीं, जिस बूढ़े हथुजिया को तू जैसे कवि नाग ने डस लिया हो उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। इसलिए सुन, गौर से सुन, जिस तरह आदम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हो उसी तरह तू भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा। महात्मा क्षमा, दिल घबरा रहा है, सिर चकरा रहा है, महात्मा क्षमा।